बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हमारा टॉपिक है टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन आर मल्टीप्लाई विद आर। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि ये क्या है। आर स्क्वायर इट मीन आर इनटू आर मीन ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू आर। तो अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखें तो ये कार्टेशियन प्लेन है जिसमें ये भी एक आर है और ये भी एक आर है, यानी रियल लाइन है। ये नेगेटिव नेगेटिव ओके, जिसे हम एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर किसी भी पॉइंट को आर स्क्वायर का एक एलिमेंट समझा जाएगा। इसे कार्टेशियन प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन का नाम भी देते हैं। ओके, तो इस पर टोपोलॉजी को डिस्कस करने से पहले छोटी छोटी सी चंद बातों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आएंगे इसकी टोपोलॉजी की तरफ। तो सबसे पहले इनमें है यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस इन आर स्क्वायर डिफाइन किया जाता है कि अगर आर स्क्वायर में कोई से दो पॉइंट्स हों तो उनके दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जा सकता है। लेट अ पॉइंट पी विद कंपोनेंट्स पी वन पी टू एंड क्यू विद कंपोनेंट्स क्यू वन एंड क्यू टू बी टू पॉइंट्स इन आर स्क्वायर। मान लें कि यहाँ आर स्क्वायर में ये दो पॉइंट्स हैं, एक ये है P और एक ये पॉइंट है Q। तो इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सिंपल सा जो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया जाता है उसी को ही यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला कहा जाता है। हम लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, जिसे D ऑफ P एंड Q मेंशन किया जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एक्स कंपोनेंट्स P1 माइनस Q1 स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन Y कंपोनेंट्स P2 माइनस Q2 होल स्क्वायर। अगर आप मीट्रिक जानते हैं तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो मीट्रिक बनाता है, तो यानी ये मीट्रिक की चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ओके, ये जो D ऑफ PQ है दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, बल्कि यूँ कहें कि दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, नॉट एनी अदर पाथ। अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ से नोटिस करते हैं कि यहाँ अगर हम कोई और पॉइंट भी ले लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं आर, तो अगर हम पहले पी से आर की तरफ जाएं और आर से फिर क्यू की तरफ आएं तो ये जो दो डिस्टेंसेज हैं इनका सम इस डिस्टेंस से ज़्यादा है। मीन हम ये कह सकते हैं, एक नोट के तौर पर लिख रहा हूँ, चूँकि प्रॉपर हम मीट्रिक नहीं पढ़ रहे इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स पी एंड क्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन आर एंड क्यू, वेयर आर इज़ एनी अदर पॉइंट इन आर स्क्वायर, एनी अदर ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो यहाँ हम एक और कंसेप्ट की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं ओपन बॉल। ओपन बॉल कैसे डिफाइन की जाती है कि लेट अ पॉइंट पी या कह लें एक्स बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर एंड अ नंबर एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी आर स्क्वायर में एक पॉइंट है एक्स और एप्साइलन एक पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ हम एक सेट डिफाइन करते हैं बी ऑफ एक्स एप्साइलन, जिसे हम पढ़ेंगे ओपन बॉल विद सेंटर एक्स एंड रेडियस एप्साइलन दैट कंटेन दोज पॉइंट्स ऑफ आर स्क्वायर सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड पी इज लेस देन एप्साइलन। अब इसका क्या मतलब है कि अगर प्लेन में आर स्क्वायर में आप एक कोई सा एक पॉइंट फिक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक्स है, और एक नंबर फिक्स करते हैं एप्साइलन जो कि ज़ीरो से बड़ा है, फॉर एग्जांपल ये नंबर है एप्साइलन, तो इसमें इस सेट में बी ऑफ एक्स एप्साइलन में ऐसे तमाम पॉइंट्स शामिल होंगे जिनका एक्स के साथ डिस्टेंस एप्साइलन से कम है, यानी यूँ कह लें तो ये इस तरह की एक ओपन बॉल की शेप बनेगी। इसके अंदर जहाँ भी कोई भी एक पॉइंट आप लें उसका एक्स के साथ डिस्टेंस एप्साइलन से अल्टीमेटली कम रहेगा, यानी ये वाला जो सेट है इसको हम मेंशन कर रहे हैं बी ऑफ एक्स एप्साइलन से।
और इसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड ओपन बॉल विद सेंटर एक्स एंड सेंटर एंड रेडियस एप्साइलन। बड़ा सिंपल सा नज़र भी आ रहा है कि एक्स ये सेंटर है और उसके गिर्द एक बॉल बन रही है जिसका रेडियस एप्साइलन है। ओके, तो ओपन बॉल को यहाँ समझते हुए हम एक छोटा सा लेमा प्रूफ करेंगे और उसके बाद हम टोपोलॉजी की तरफ आएंगे। मीट्रिक स्पेस में ये एक थ्योरम की सेंस में पढ़ा जाता है कि एवरी ओपन बॉल इज़ एन ओपन सेट, लेकिन हम इतनी डिटेल में उस तरफ नहीं जा रहे। जब मीट्रिक का कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें इसको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। ओके, लेमा क्या है कि लेट y be any point of R square and R is a real number greater than 0. Okay. Then for any x belonging to open ball with center y and radius R, there exist a positive number epsilon such that the open ball with center x and radius epsilon is subset of open ball with center y and radius r। ज्योमेट्रिकली इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कर सकते हैं कि अगर ये एक पॉइंट हो y r स्क्वायर में ही और उसके गिर्द हमने एक ओपन बॉल बना रखी हो जिसका रेडियस r हो, फॉर एग्जांपल दिस इज r, तो इतने रेडियस वाली बॉल है। ओके, ये थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन आप समझ लें कि इसका रेडियस r ही है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अगर उसमें एक पॉइंट x मौजूद हो, फॉर एग्जांपल हियर इज x, तो हमें प्रूफ ये करना है कि x के गिर्द भी एक ओपन बॉल ऑफ रेडियस एप्साइलन मौजूद होगी जो मुकम्मल तौर पर इस बॉल के इनसाइड होगी। मीन यूँ कह लें कि इतना सा रेडियस एप्साइलन है, जितना भी है, चलें इसको हम प्रूफ करते हैं। यानी ये कहा गया है कि ओपन बॉल के अंदर किसी भी पॉइंट को लेकर उसके गिर्द एक ओपन बॉल बनाई जा सकती है जो पहले वाली बॉल के इनसाइड मौजूद होती है। ओके, सॉरी, लेमा है तो इसका प्रूफ होगा। ओके, सपोज एक्स बिलोंग टू द ओपन बॉल विद सेंटर वाई एंड रेडियस आर। अच्छा, अगर ये ओपन बॉल विद सेंटर एक्स एंड विद सेंटर वाई और रेडियस आर है तो हम यहाँ से ये कह सकेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज लेस देन आर। यहाँ नज़र भी आ रहा है कि एक्स और वाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो टोटल आर से कम है। इस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं डी ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, हम एक नंबर चुनते हैं, चूज अ नंबर एप्साइलन सच दैट। अब ये असल काम इतना सा है कि एप्साइलन कैसा चुना जाए। वैसे यहाँ नज़र भी आ रहा है कि अगर एप्साइलन एक ऐसा डिस्टेंस हो जो इस डिस्टेंस से कम हो तो यहाँ एक ओपन बॉल बनाई जा सकती है जो मुकम्मल तौर पर पहले वाली बॉल के अंदर ही मौजूद होगी। तो हम एप्साइलन एक ऐसा नंबर चुनने लगे हैं जो ज़ीरो से तो बड़ा है, मीन एप्साइलन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड इज़ लेस देन आर माइनस डी ऑफ एक्स वाई। ज़रा नोटिस करें कि यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो r है क्योंकि रेडियस है इस बॉल का, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डी एक्स वाई है। बाकी ये डिस्टेंस जो रह जाता है वो है r माइनस डी एक्स वाई। हम उससे भी थोड़ा सा कम डिस्टेंस ले रहे हैं ताकि जो ओपन बॉल हो वो मुकम्मल उसके इनसाइड हो। वैसे वो मुकम्मल उतना ही डिस्टेंस ले लें, इसे इक्वालिटी में बदलते हैं, फिर भी ये ओके है। ओके, अब यहाँ हम एक छोटा सा क्लेम करते हैं और फिर उसको प्रूफ करेंगे। वी क्लेम दैट द ओपन बॉल विद सेंटर एक्स एंड रेडियस एप्साइलन इज सबसेट ऑफ
ओपन बॉल विद सेंटर वाई एंड रेडियस। अगर हमें ये शो करना हो कि ए सबसेट ऑफ बी हो, तो हम ये शो करते हैं कि एक्स जो कि ए का एलिमेंट, और यहाँ से ये प्रूफ करते हैं कि एक्स बिलोंग करता है बी में, और एक्स कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो तो ये इंक्लूजन प्रूफ हो जाता है। अब हमें ये शो करना है कि दिस सेट इज़ सबसेट ऑफ दिस सेट, तो उसके लिए हम इस सेट में से एक एलिमेंट लेंगे और उसे शो करवाएंगे कि वो इसमें भी मौजूद है। लेट द पॉइंट z बिलोंग टू ओपन बॉल विद सेंटर x एंड रेडियस एप्सिलॉन। ओके, अगर z इसमें है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड z इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके, नाउ डिस्टेंस बिटवीन y एंड z, ट्राइंगल इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं दिस इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y एंड x प्लस डिस्टेंस बिटवीन x एंड z, कि अगर y और z के दरमियान एक और पॉइंट x आ जाए तो ये इनइक्वालिटी वैलिड होती है। ओके, तो अभी हम ये देख चुके हैं कि d ऑफ x z इज लेस देन एप्सिलॉन, तो हम लिखेंगे दैट इज लेस देन d ऑफ x y x प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि अब इसकी जगह एक बड़ा नंबर लिखा है तो यहाँ लेस देन लगा दिया, और एप्सिलॉन इज लेस देन r माइनस d ऑफ x y, तो हम फर्दर इसे लिख सकते हैं लेस देन d ऑफ y x प्लस r माइनस d ऑफ x y। अब ये जो d ऑफ x y और d ऑफ y x हैं, इट मीन डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, इट मीन ये दोनों सेम हैं, नेगेटिव साइन के साथ तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि डिस्टेंस बिटवीन y एंड z इज लेस देन r, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट z है ये एक ऐसा पॉइंट है जो बॉल ओपन बॉल विद सेंटर y और रेडियस r में मौजूद है, क्योंकि उस बॉल में तो वही पॉइंट्स होंगे जिनका y के साथ डिस्टेंस r से कम होगा, तो यहाँ ये प्रूफ हुआ कि y और z का जो आपसी डिस्टेंस है वो r से कम है, इट मीन अगर y के गिर्द जो ओपन बॉल बनाई जाए और जिसका रेडियस r हो तो ये पॉइंट z उसमें मौजूद होता है। तो z हमने लिया था b ऑफ x एप्सिलॉन से, अब ये चला गया b ऑफ y r में, सो ओपन बॉल विद सेंटर x एंड रेडियस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ ओपन बॉल विद सेंटर y एंड रेडियस r। तो इसको इन शॉर्ट अगर हम समराइज करें तो ये कह सकते हैं कि प्लेन आर स्क्वायर में जब भी आप कोई एक ओपन बॉल लेंगे जिसका कोई भी सेंटर हो, तो उसमें अगर आप कोई और पॉइंट चुनेंगे तो उस पॉइंट के गिर्द भी एक ओपन बॉल बन सकेगी जो दोबारा उसी बॉल के अंदर मौजूद होगी मुकम्मल तौर पर, ये पॉइंट चाहे जहां मर्जी हो, अगर यहां पे है तो यही होगा कि बॉल ज़रा छोटा होगा लेकिन होगा सही इसके अंदर ही मौजूद होगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम अपने थ्योरम की तरफ कि द कलेक्शन बीटा containing the open balls with center arbitrary element of R square and epsilon radius is a basis for a topology on R square, कि ये वाली जो collection है ये किसी topology के लिए basis form करती है। अच्छा, basis proof करने के लिए हमें basis की दो condition satisfy करवाना होंगी। पहली condition क्या है कि for any x belonging to the space टू द सेट विच इज़ आर सोकेयर, तो ये यानी सेट के हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए बीटा में जिसमें वो पॉइंट मौजूद हो। अगर हम एक्स आर सोकेयर में से एक एलिमेंट चुनते हैं तो ऑब्वियसली एक्स बिलोंग करता है ओपन बॉल विद सेंटर एक्स एंड रेडियस, कोई भी रेडियस ले लें, वन ले लें, टू ले लें या कुछ भी ले लें, यानी अगर कोई पॉइंट आर सोकेयर में है तो वो टू रेडियस वाली जो ओपन बॉल बनेगी उसके गिर्द वो पॉइंट उसमें तो अल्टीमेटली मौजूद होगा ही, तो इस तरह से फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर एक पॉइंट किसी भी बेसिस के किसी भी दो एलिमेंट में मौजूद हो यानी उनके इंटरसेक्शन में मौजूद हो तो बेसिस में एक और एलिमेंट भी होना चाहिए जिसमें वो पॉइंट हो और वो उन दोनों से छोटा हो, उनके अंदर हो। ओके, तो हम ये मान लेते हैं कि लेट द पॉइंट एक्स belong to intersection of two open balls, one with center P and radius R1 and the second is open ball with center Q and radius R2, यानी
इसके दो एलिमेंट्स के इंटरसेक्शन में हमने पॉइंट एक्स कंसिडर कर लिया। अच्छा, अब ये ओपन बॉल्स कौन सी हैं? एक यहाँ पे है जिसका सेंटर पी है, और दूसरी यहाँ पे है जिसका सेंटर क्यू है, और इनमें कुछ कॉमन भी है, यानी इसका जो रेडियस है उसको हमने कहा आर वन, और इस सेकंड बॉल के रेडियस को हमने कहा आर टू विद सेंटर क्यू। इनके अंदर यहाँ कॉमन है एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स, ये जो पहली बॉल है इसका रेडियस है आर वन, और दूसरी बॉल जिसका सेंटर क्यू है उसका रेडियस है आर टू। अच्छा, अगर ये पॉइंट एक्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में मौजूद है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों में मौजूद है। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू बी पी आर वन एंड एक्स बिलोंग टू ओपन बॉल विद सेंटर क्यू एंड रेडियस आर टू। इससे पहले जो हमने लेमा पढ़ा है उसमें यही तो प्रूफ किया है कि अगर किसी ओपन बॉल में एक पॉइंट मौजूद हो तो उस पॉइंट के गिर्द भी एक ओपन बॉल बनाई जा सकती है जो उसी में मौजूद हो, बाय प्रीवियस लेमा। प्रीवियस लेमा मीन उसकी मुकम्मल स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट टू नंबर्स एप्साइलन वन एंड एप्साइलन टू ग्रेटर देन जीरो such that an open ball with center x and radius epsilon 1 is subset of open ball with center p and radius r1, and similarly an open ball with center x and radius epsilon 2 is subset of open ball with center q and radius r2. Okay. अच्छा, अब अगर हम ये सपोज कर लें कि एप्साइलन वन और एप्साइलन टू तो दोनों पॉजिटिव नंबर थे, हम एक नंबर चुनते हैं एप्साइलन जो इन दोनों में से छोटे वाला है, मीन मिनिमम ऑफ एप्साइलन वन एंड एप्साइलन टू इज़ नोन एज एप्साइलन, यानी इन दोनों में से ये दो नंबर हैं, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, हो सकता है दोनों बराबर भी होते, तो इनमें से जो छोटे वाला है उसको हम एप्साइलन चुन लेते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकेंगे कि ओपन बॉल विद सेंटर एक्स एंड रेडियस एप्साइलन is subset of open ball with center x and radius epsilon 1 intersection open ball with center x and radius epsilon 2, because ये एक ऐसी open ball है जिसका radius center तो वही है लेकिन radius कुछ ज़्यादा है और ये उससे कुछ कम है, तो it means छोटे radius वाली ball बड़े radius वाली दोनों balls के inside होगी, यानी उन दोनों के intersection का subset होगी। अच्छा, बी ऑफ एक्स एप्साइलन वन सबसेट है बी ऑफ पी आर वन, तो हम यहाँ से लिख सकेंगे दैट इज सबसेट ऑफ बी ऑफ पी आर वन, एंड इंटरसेक्शन बी ऑफ एक्स एप्साइलन टू इज सबसेट ऑफ बी ऑफ क्यू आर टू, सो बी ऑफ क्यू आर टू। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो हमने पॉइंट लिया था उसके गिर्द भी एक ओपन बॉल बन गई है जो मुकम्मल तौर पर उसके अंदर मौजूद है। सो द कलेक्शन बीटा इज अ बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर, और इस टोपोलॉजी को हम कहते हैं इट इज नोन एज स्टैंडर्ड और यूजुअल टोपोलॉजी, या यूक्लिडियन टोपोलॉजी भी कहते हैं ऑन आर स्क्वायर्ड।